आज हिमाचल प्रदेश से सवाल ये है कि क्या हिमाचल प्रदेश में कुछ बड़ा होने वाला है, क्या हिमाचल में सुक्खू सरकार गिर जाने वाली है। और इसी सवाल का जवाब देने के लिए आज हिमाचल प्रदेश से करते हैं बात चुनाव की। एक खबर बताने के साथ शुरुआत करती हूँ। खबर ये है, विक्रमादित्य सिंह जो पीडब्ल्यूडी मंत्री थे हिमाचल सरकार में, उन्होंने इस्तीफा दिया। लेकिन ये कहा जा रहा था कि उनकी तरफ से जो इस्तीफा है वो पार्टी से नहीं दिया गया, वो तो कैबिनेट से इस्तीफा दिया गया है। लेकिन खबर सामने आई और एक तस्वीर, जो सबसे बड़ी तस्वीर, जिसमें विक्रमादित्य सिंह ने अपनी सोशल मीडिया प्रोफाइल से कांग्रेस शब्द हटा दिया। उन्होंने अब अपने सोशल मीडिया प्रोफाइल पर हिमाचल का सेवक लिखा है। अब सवाल ये है कि क्या ये हिमाचल का सेवक कुछ बड़ा करने वाला है? आखिर ऐसा क्या है जो विक्रमादित्य सिंह की वजह से सुक्खू सरकार गिर जाने का अंदेशा एक बार फिर से गहराता चला जा रहा है? अब ये पूरा सियासी खेल जो है वो शुरू कैसे होता है, ये पूरी कहानी सबसे पहले मैं आपको बताती हूँ। बात राज्यसभा चुनाव की थी। एक सीट पर हिमाचल प्रदेश में राज्यसभा का चुनाव होना था और ये तय माना जा रहा था, क्योंकि अगर आप संख्या बल के हिसाब से देखेंगे, चूंकि राज्यसभा चुनाव के लिए विधायक वोट करते हैं, अब हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस की सरकार है, इसका मतलब ये है कि कांग्रेस के पास विधायक ज्यादा है। 40 विधायकों की संख्या इस वक्त हिमाचल प्रदेश में, ये उस वक्त जब राज्यसभा का चुनाव होना था, कांग्रेस की तरफ से थे अभिषेक मनु सिंघवी और भारतीय जनता पार्टी की तरफ से हर्ष महाजन, और अभिषेक मनु सिंघवी राज्यसभा का चुनाव जीत रहे हैं, ये तय था। लेकिन अभिषेक मनु सिंघवी ये चुनाव हार गए और भारतीय जनता पार्टी के हर्ष महाजन चुनाव जीत गए। अब आप सोचेंगे कि ये कैसे हो सकता है, ये क्रॉस वोटिंग की वजह से हुआ, और क्रॉस वोटिंग किसने की? कांग्रेस के विधायकों ने। फिर क्या था? फिर ये जो सियासी उलटफेर के अंदेशे का खेल है वो शुरू हो गया और सवाल उठने लगे कि आखिर हिमाचल प्रदेश की कांग्रेस सरकार में चल क्या रहा है। एक झटका तो पहले लग ही चुका था, राज्यसभा की सीट जा चुकी थी, लेकिन सुक्खू सरकार को सबसे बड़ा झटका तब लगा जब विक्रमादित्य सिंह की तरफ से भी इस्तीफा दे दिया गया। हालांकि मैं आपको ये बता दूं कि जिन 6 विधायकों ने क्रॉस वोटिंग की, बाद में उन्हें अयोग्य घोषित कर दिया गया। लेकिन उसके बाद विधानसभा के भीतर का समीकरण आखिर क्या बनता हुआ दिखाई दिया, वो भी मैं आपको बताती हूँ। क्योंकि आप ये जान लीजिए, कोई भी चाहे राज्य क्यों ना हो, सरकार किसकी बन रही है, गिर रही है या क्या कुछ होने वाला है, ये सब कुछ सिर्फ और सिर्फ नंबर गेम से ही डिसाइड होता है। अब मैं हिमाचल प्रदेश में विधानसभा की गणित क्या कहती है वो आपको समझा देती हूँ। सबसे पहले आप ये जानिए कि 68 विधानसभा की सीटें वहां पर हैं। 68 के लिहाज से 35 हो गया बहुमत का जादुई आंकड़ा, यानी कि 35 विधायक जिसके भी पास हैं वो सरकार बनाने में सक्षम होता है। अब जो चुनाव हुए उसके लिहाज से स्थिति ये कि 40 सीटें कांग्रेस के पास, और इसीलिए सबसे ज्यादा सीटें कांग्रेस के पास थी तो सरकार बन गई हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस की। 25 सीटें भारतीय जनता पार्टी के पास और 3 सीटें ऐसी जिन पर अन्य का दबदबा। अब समीकरण कैसे बदला? 6 विधायक बागी हो गए, यानी क्रॉस वोटिंग कर दी, तो आप भारतीय जनता पार्टी में 6 आंकड़ा और जोड़ दीजिए, और उसके बाद ये जो 3 मैंने आपको निर्दलीय बताए वो भी बीजेपी के साथ चले गए, ये आंकड़ा 34 हो गया। अब दूसरी तरफ चूंकि कांग्रेस के विधायक कम हो गए, 40 में से 6 हटाइए तो 34 हो गया, यानी कि 34-34 दोनों के पास फिर ड्रॉ हुआ। और इसी के तहत नतीजा सामने ये आया कि अभिषेक मनु सिंघवी ये चुनाव हार गए हैं और भारतीय जनता पार्टी के राज्यसभा का सांसद चुन लिया गया है और ये सीट चली गई है बीजेपी के खाते में, हर्ष महाजन जीत चुके हैं। फिर इसको लेकर कार्रवाई हुई, 6 विधायक जो बागी हुए उन्हें अयोग्य करार दे दिया गया। लेकिन अब मैं आपको ये भी बता देती हूँ कि जब उन विधायकों को अयोग्य करार दे दिया गया, तब फिर जो ये विधानसभा की पूरी गणित थी वो क्या हो गई? क्योंकि जैसा मैंने आपको बताया, 68 विधानसभा की सीटें, 40 फिर कांग्रेस के पास और 25 लिहाज जो आंकड़ों के लिहाज से पहले था वो बीजेपी के पास, फिर 3 निर्दलीय भी आप बीजेपी के साथ लगा लीजिए। लेकिन अब होता यूं है कि जब 6 को अयोग्य करार दे दिया गया तो फिर जो जादुई आंकड़ा है, जो बहुमत का आंकड़ा है, वो भी आप समझ जाइए, 68 में से आप 6 हटा देंगे तो वो वहां से 62 हो गया, यानी कि जो ओवरऑल संख्या है, क्योंकि 6 को अब आप काउंट नहीं कर सकते, और 62 के ही लिहाज से 62 के हिसाब से 32 जादुई आंकड़ा हो गया। अब आप ऐसे में अगर देखेंगे 25+3 यानी कि जो बीजेपी के पास है वो 28 हो गए, और यहाँ से जो संख्या है 40 से गिरकर जो 6 हट गई, यानी कि वो 34 हो गए। अब अभी की स्थिति के हिसाब से अगर मैं आपको बता दूं कि 2 विधायक ज्यादा
सुक्खू सरकार के पास है, यानी कि 34 पर वो है। लेकिन अब एक सवाल ये है कि विक्रमादित्य सिंह, जो कि उन्होंने अभी तक अपने पत्ते नहीं खोले हैं, आखिर वो इस वक्त क्या सोच रहे हैं। मैं आपको आगे ये भी बताऊंगी कि आखिर विक्रमादित्य सिंह है कौन, जिन्होंने एक बार खुद का इस्तीफा देकर सुक्खू सरकार की टेंशन को इतना बढ़ा दिया है। लेकिन उससे पहले आप ये जान लीजिए कि विक्रमादित्य सिंह अगर और ज्यादा विधायकों को यहां से ले जाने में कामयाब होते हैं या बीजेपी ऐसे वक्त में विधायकों को तोड़ लेती है, तो फिर आप समझ जाइए कि हिमाचल प्रदेश में एक बहुत बड़ा खेला हो सकता है और फिर उसका नतीजा ये हो सकता है कि सुक्खू सरकार गिर भी सकती है। अब विक्रमादित्य सिंह जो इतनी ज्यादा चर्चा में आए जब उनकी तरफ से इस्तीफा दे दिया गया, मैं आपको उनके इस्तीफे का कारण क्या था वो बताती हूँ जो उनकी तरफ से बताया गया। उन्होंने कहा कि सरकार की तरफ से जो वादे किए गए खासतौर पर युवाओं के लिए, उन वादों को पूरा नहीं किया गया, समय रहते उन पर ध्यान ही नहीं दिया गया और फिर उन्होंने कैबिनेट से इस्तीफा दे दिया, यानी कि मंत्री पद से इस्तीफा दे दिया। अभी भी मैं आपको बता दूं कि कांग्रेस पार्टी से उन्होंने इस्तीफा नहीं दिया है, इसीलिए सुक्खू जो हैं, जो मुख्यमंत्री हैं फिलहाल हिमाचल प्रदेश के, उन्हें ये उम्मीद है और वो बार बार ये कह रहे हैं कि जो अंतर्कलह है उसे सुलझा लिया गया है। आलाकमान तक ये जब ये मुद्दा एड्रेस हुआ तो फिर अंतर्कलह पूरी तरह से सुलझ चुकी है। लेकिन विक्रमादित्य सिंह, मैं आपको बता रही हूँ वो कौन है जिन्होंने रातों रात नींद उड़ा दी है सुक्खू सरकार की। प्रतिभा सिंह, ये नाम आपने सुना होगा। एक तस्वीर वो याद करिए जब हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस को बहुमत मिल गया था और फिर ये तय होना था कि आखिर मुख्यमंत्री होगा कौन। इस रेस में अगर किसी का नाम था तो वो प्रतिभा सिंह ही थी। उन्हीं के बेटे हैं विक्रमादित्य सिंह और हिमाचल प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह रहे उनके बेटे विक्रमादित्य सिंह। और यही एक मुद्दा जो बहुत जोर शोर से चुनाव में गूंजा भी था, ये कहा गया कि इस पूरे चुनाव में वीरभद्र सिंह के नाम का बार बार जिक्र किया गया, तो फिर आखिर वीरभद्र सिंह के परिवार से मुख्यमंत्री क्यों नहीं बनाया गया, या तो प्रतिभा सिंह या विक्रमादित्य सिंह। अब कई लोग तो ये भी कह रहे हैं कि ये उसी वक्त की कुंठा थी जो मन में रह गई थी, यानी कि मुख्यमंत्री बनना चाहते थे लेकिन हो नहीं पाया, तो इस बार इस्तीफा दे दिया, तो क्या सरकार गिर जाने वाली है। सवाल ये है विक्रमादित्य सिंह, जिनके बारे में मैंने आपको बताया, और उनकी माँ प्रतिभा सिंह। अब उनका एक बयान मैं आपको सुनाती हूँ। प्रतिभा सिंह जो कांग्रेस का नेतृत्व कर रही हैं हिमाचल प्रदेश में, लेकिन वो ये कह रही हैं कि बीजेपी की जो वर्किंग है वो कांग्रेस से ज्यादा बेहतर है। अब मुझे ये बताइए कि अगर प्रतिभा सिंह ऐसा कह रही हैं तो फिर ये कैसे माना जाए कि हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस सरकार में सब कुछ ठीक चल रहा है। ये बयान प्रतिभा सिंह का है और ऐसे वक्त में जब कांग्रेस की स्थिति इस वक्त बहुत ज्यादा मुश्किल देखी जा रही है, माना यह जा रहा है कि हो सकता है और ज्यादा विधायक टूट गए तो फिर सरकार गिर भी सकती है, ये बयान आप प्रतिभा सिंह का सुन लीजिए। आज की तारीख में अगर देखा जाए तो संगठन के लेवल पर भाजपा ज्यादा तैयार और मजबूत है या कांग्रेस? कांग्रेस में अभी बहुत कुछ करने को हमारे को बाकी है। हालांकि आप जानते हैं एज एमपी मैंने सारा ही अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी का दौरा बार बार किया है, मैं लोगों से मिली हूँ, लोगों की बात को जानने का प्रयास किया, क्या उनकी डिफिकल्टीज है उसको जानने का प्रयास किया। हमारे पास सांसद निधि होती है जो जिसका बंटवारा मुझे बराबर बराबर हर हल्के में करना था, क्योंकि अब कभी भी कोड ऑफ कंडक्ट लग सकता है, फिर वो पैसा लैप्स हो जाएगा, तो ये इस विषय में मैंने सभी से फीडबैक लिया। ये बात सही है कि भाजपा की वर्किंग हमारे से बेहतर है। अब इन सब के बीच में प्रतिभा सिंह ने तो ये कह दिया कि आलाकमान को ये मुद्दा एड्रेस करा दिया गया है, उनकी तरफ से ये भी बताया गया कि जो इस्तीफा है वो कांग्रेस पार्टी से थोड़ी दिया है, वो इस्तीफा तो कैबिनेट से दिया है, अंतर्कलह सुलझ जाएगी, एड्रेस करा दिया गया है और साथ मिलकर चुनाव लड़ेंगे। भूपिंदर सिंह हुड्डा, ये नाम आपको जरूर याद होगा, उनकी तरफ से एक स्टेटमेंट दिया गया लोकसभा चुनाव के लिहाज से और स्टेटमेंट ये था कि जो अंतर्कलह थी वो सुलझ गई है और लोकसभा का चुनाव एक साथ लड़ने वाले हैं। जो राज्यसभा का चुनाव हुआ, पार्टी को बड़ा अफसोस है कि हमने एक बहुत सीट थी जो हमारी मानी जा रही थी पक्की, वो खोई। किन कारणों से खोई है वो सबको मालूम है और उनकी चर्चा भी हुई है। और इसके बाद आज हमने सबसे चीफ मिनिस्टर से भी, पीसीसी प्रेसिडेंट से भी, सारे विधायकों से भी अलग अलग बात करी है और एक सहमति बनी है सब में। सब में जो छोटे मोटे मतभेद थे वो दूर किए गए हैं, इन्होंने आपस में दूर कर लिए हैं और ये फैसला किया है आगे से एक होकर लोकसभा का चुनाव लड़ेंगे और पार्टी को यहां से जिता के भेजेंगे। अब लोकसभा की जो गणित है हिमाचल प्रदेश की वो क्या कहती है ये भी मैं आपको बताती हूँ। हिमाचल प्रदेश में
लोकसभा की 4 सीटें हैं, 3 सीटों पर बीजेपी का कब्जा और सिर्फ 1 सीट कांग्रेस के पास, और वो सीट भी कौन सी है, मंडी, जहां से सांसद है प्रतिभा सिंह। यही प्रतिभा सिंह जो विक्रमादित्य सिंह की माँ है, जिनकी तरफ से जो स्टेटमेंट दिया गया वो मैंने आपको सुनाया। अब ऐसे वक्त में जब बीजेपी की तैयारी ये होगी, जो 4 है, 4 में से 4 ही बीजेपी पूरा अपने कब्जे में कर ले, लेकिन दूसरी तरफ कांग्रेस है कि अंतरकला क्या सुलझा पाएगी, इसको लेकर सवाल बना हुआ है। हालांकि मैं आपको ये भी बता दूं कि अगर एक संभावना ये कहती है कि सिर्फ एक केस जो अभी बीजेपी के पक्ष में दिखाई देता है, जिससे बीजेपी की सरकार बन सकती है, वो ये है, वो संभावना ये है कि बीजेपी अगर ज्यादा विधायकों को तोड़ ले, यानी कि बड़ी बगावत हो जाए, क्योंकि अगर छोटी बगावत 2 से 3 विधायक आप मान लीजिए, क्योंकि इस वक्त 28 है और अगर ये संख्या बल 32 हो चला है तो फिर बीजेपी को आप सोच लीजिए 4 से 5 विधायकों का समर्थन चाहिए। लेकिन अगर फिर से ऐसा हुआ तो फिर से डिस्क्वालिफिकेशन हो जाएगा, और फिर से डिस्क्वालिफिकेशन हो गया तो और आंकड़ा कम हो जाएगा। इसीलिए थोड़ा पेचीदा भी है ये आंकड़ों का नंबर गेम जो इस वक्त मैं आपको बता रही हूँ, लेकिन बीजेपी इस वक्त जरूर अगर रणनीति बना रही है तो इसको लेकर कि कैसे बड़ी बगावत हो सके। और सबसे बड़ा नाम विक्रमादित्य सिंह, जो आगे क्या करने वाले हैं ये कोई भी नहीं जानता। इसीलिए सवाल ये है कि हिमाचल प्रदेश का जो सियासी समीकरण इस वक्त मैंने आपको समझाया, वो क्या आने वाले कुछ दिनों तक भी ऐसे ही रहने वाला है, या फिर लोकसभा चुनाव 2024 से पहले सब कुछ हिमाचल प्रदेश में बदल जाने वाला है, क्योंकि कांग्रेस की स्थिति कई सारे राज्यों में ऐसी रही है कि बनी बनाई सरकार को अपने हाथों से खो दिया है, और कारण अंतरकला या सीएम की कुर्सी। राजस्थान भी एक बड़ा उदाहरण था, हालांकि सरकार वहां पर गिर ना सकी, लेकिन अंतरकला क्या थी वो सबके सामने खुलकर आ गई। इसीलिए कांग्रेस सरकार डैमेज कंट्रोल कितना कर पाती है और कब तक कर पाती है, क्या 2024 चुनाव से पहले कर पाती है, क्योंकि एक बयान कई सारे ये भी सामने आए कि क्या ये हो सकता है कि अगर सुक्खू को हटा दिया जाए, क्योंकि सुक्खू के चेहरे पर ही तो भाई, सीएम के चेहरे पर ही तो ये सब कुछ इस वक्त लड़ाई अंदर खाने चल रही है, तो क्या सुक्खू को बदल दिया जाए, मुख्यमंत्री का चेहरा बदल दिया जाए तो कुछ हो सकता है। लेकिन कांग्रेस इतना बड़ा रिस्क इस वक्त इसीलिए नहीं ले सकती क्योंकि बस अब सर पर लोकसभा चुनाव 2024 है। इसीलिए सवाल ये है कि आखिर हिमाचल प्रदेश के सियासी समीकरण कब तक ऐसे ही रहने वाले हैं, इसके लिए इंतजार करना होगा 2024 के नतीजों का, 2024 लोकसभा चुनाव और इन्हीं चुनावी नतीजों तक। मैं आपसे मिलने वाली हूँ हर बार किसी और राज्य की राजनीति के साथ, और फिर एक बार करेंगे बात चुनाव की।